अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो कल हमने जहाँ तक रीड किया था उससे आगे हम रीड करेंगे। आज बीच में तीन क्वेश्चन आए हैं तो इनका भी आपको जो है आंसर दे दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। आज हम आगे रीड करेंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन सर इसलिए नहीं डाल रहा हूँ मैं क्योंकि बीच में डेफिनेशन आएंगे आपके, पहले कुछ डेफिनेशन जो हैं वो करनी है, उसके बाद क्वेश्चन सर आपने करने हैं। तो बच्चों एक बार नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, 2.2। ज़्यादा समय ख़राब किए बिना हम देखते हैं इसको एक बार। इन सेक्शन 2.1 वी हैव सीन दैट ऑल एसिड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। एसिड्स की प्रॉपर्टीज कैसी थी? सिमिलर थी, हमने देखा। व्हाट लीड्स टू दिस सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज़? वी से असाइन एक्टिविटी 2.3 दैट ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स। हमने एक्टिविटी 2.3 में देखा था कल, पिछली वाली वीडियोज में हमने देखा कि जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड्स। हाइड्रोजन क्या है? कॉमन है सभी एसिड्स के लिए, एक तरह से मानिए वो प्रोड्यूस करेगा। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। जिनके पास जो कि कंपाउंड्स हाइड्रोजन जो होगी उसके अंदर क्या सारे के सारे एसिडिक हैं, तो इसके लिए 2.8 एक्टिविटी है ये, आप जो है एक्सपेरिमेंट में लैब के अंदर हम करेंगे। तो इससे जो कंक्लूजन निकलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो देखिए यहाँ पे द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग द केस ऑफ एसिड्स एज शोन इन फिगर 2.3। फिगर 2.3 में ये यहाँ पे बल्ब लगाया हुआ है, 6 वोल्ट की बैटरी स्विच है और ये सॉल्यूशन हमारे पास जो है एसिड है। अब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी या नहीं होगी वो हम देखते हैं एक बार। तो एसिड सॉल्यूशन के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, क्यों होती है? क्योंकि एसिड के अंदर आयन होते हैं और जहाँ आयन्स होते हैं वहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, आयन नहीं होते जहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। हम अगर मिनरल वाटर लेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा देगा, लेकिन अगर हम वाटर होता है बच्चों जो कि लैब में यूज होता है एक्सपेरिमेंट्स के लिए, और अगर उसका यूज़ करेंगे हम तो उसमें से लाइट पास नहीं होगी क्योंकि उसके अंदर कोई मिनरल नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए क्या कंक्लूजन निकाला। द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग द केस ऑफ एसिड सेल्स ऑन फिगर 2.3 बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सोल्यूशन डू नॉट कनेक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कह रहा है कि आपने देखा हो ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कनेक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अल्कोहल लिया या ग्लूकोज लिया हमने तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट नहीं हुई, लेकिन जब एसिड लिया तो क्या हो गया? ग्लो किया, बल्ब जो है बल्ब जो हमारा था वो लाइट रोशनी दे रहा है। ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट थ्रू द सॉल्यूशन, यानी कि अंदर से उसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है अगर बल्ब ग्लो होगा। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयन्स। एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर जो आयन्स हैं उनके द्वारा जो करंट को कैरी किया जा रहा है, लेके जा रहा है आगे। एसिड्स कंटेन एच प्लस आयन एज कैटायन एंड अनायन सच एज सी एल नेगेटिव इन एच सी एल एंड एन ओ थ्री नेगेटिव इन एच एन ओ थ्री एस ओ फोर टू नेगेटिव इन एच टू एस ओ फोर सी एस थ्री सी ओ नेगेटिव इन सी एस थ्री सी ओ एच सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन एसिड्स इज एच प्लस। एक प्रॉपर्टी और हम जानेंगे आज, नहीं एसिड के बारे में पता था अभी तक कि लिटमस को रेड कर देता है एसिड, प्लस टेस्ट कैसा होता है? सोर। अब तीसरी बात आज हमें जानने को मिली है कि ये H प्लस आयन जो है इसके अंदर बनते हैं सॉल्यूशन के अंदर, किससे? एसिड से। दिस सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन्स इन सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, एक्वस स्टेट में करेगा, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। जो रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए। उसके बाद रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग अल्कलीज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। इस एक्टिविटी को दोबारा से करिए और सोडियम हाइड्रोक्साइड लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है NaOH जो हमने पीछे पढ़ा था। तो इससे क्या मिलेगा?
इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, बल्ब जो ग्लो नहीं करेगा क्योंकि वो बेस है, वहाँ पे आयन नहीं बनेंगे। उसके बाद व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और ए बेस इन वाटर सॉल्यूशन, कि क्या होता है एसिड और बेस के एक वाटर सॉल्यूशन के अंदर डालने से। तो कहता है डू एसिड्स प्रोड्यूस आयन्स ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, क्या सिर्फ आयन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए आगे, दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन्स इन एच सी एल आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, द सेपरेशन ऑफ एच प्लस आयन्स फ्रॉम एच सी एल मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। यानी कि एब्सेंस, वाटर की एब्सेंस में जो ये आयन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं नहीं होंगे। वो ये रिएक्शन दिखा दी एच सी एल प्लस एच टू ओ, क्या बन गया एच थ्री ओ पॉजिटिव प्लस सी एल नेगेटिव, आयन बन गए यहाँ पे भी। हाइड्रोजन आयन्स कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, अकेले नहीं आएंगे, उनके साथ कोई ना कोई साथ में होगा, जैसे ऑक्सीजन इसके साथ है एच के साथ एच थ्री ओ, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स, दस हाइड्रोजन आयन्स मस्ट ऑलवेज बी शोन एन एच प्लस और हाइड्रोनियम आयन, या तो इसको बोलेंगे हम एच प्लस या हाइड्रोनियम आयन बोलेंगे। एच प्लस प्लस एच टू ओ रिएक्शन हुई तो एच थ्री ओ पॉजिटिव बन गया, वाटर की और एच प्लस आयन के साथ रिएक्शन हुई तो एच थ्री ओ पॉजिटिव बन गया, हाइड्रोनियम आयन बन गया ये। वी हैव सीन दैट एसिड्स गिव एच थ्री ओ पॉजिटिव और एच प्लस आयन्स इन वाटर, लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन इन बेस इज डिसॉल्वड इन वाटर। ये कह रहा है कि हमने भी देखा है कि एसिड के वाटर में डिजोल्व करने से क्या मिलता है, हमें एच प्लस आयन मिलते हैं, लेकिन अगर हम बेस को डिजोल्व करें तो हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमें बेस से मिलेगा एन ए एच और एच टू ओ के साथ उसकी रिएक्शन हुई तो एन ए पॉजिटिव प्लस ओ एच नेगेटिव। देखिए डिफरेंस हो गया यहाँ पे, एसिड करेगा एच प्लस आयन प्रोड्यूस और बेस करेगा ओ एच नेगेटिव आयन प्रोड्यूस। ये जो ओ एच नेगेटिव है ये आपको बेस से की वजह से मिलेगा और एच प्लस जो मिलेगा आपको एसिड की वजह से। आगे देखिए के ओ एच, यहाँ भी ओ एच नेगेटिव है प्रोडक्ट में, ये प्रोडक्ट में यहाँ ओ एच नेगेटिव है। तो यहाँ पे एक बात हमें समझ में आई, क्या बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन्स इन वाटर, हाइड्रोक्साइड आयन जो जनरेट करते हैं बेसिस, और एसिड क्या करते हैं एच प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन, ये हाइड्रोक्साइड वो हाइड्रोनियम। बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज, यानी कि जो बेसिस वाटर के अंदर सोल्यूबल होंगे उनको क्या बोलेंगे अल्कलीज। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताया गया बच्चों, ऑल बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, सारे के सारे जो बेसिस हैं वो डिजोल्व नहीं होते वाटर में, अक्षारीय जो चीज़ें हैं सारी नहीं डिजोल्व होती। एन अल्कलीज इज ए बेस दैट डिजोल्व इन वाटर, अल्कली क्या होता है एक बेस होता है, और कौन सा बेस जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगा, यानी कि सारे अल्कलीज क्या होते हैं बेस होते हैं, लेकिन सारे बेस अल्कलीज नहीं हो सकते, ये बात आपने ध्यान रखनी है। रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, सारे अल्कलीज जो हैं अल्कलाइन हैं या अल्कलीज हैं वो बेस होंगे, लेकिन सारे के सारे बेस अल्कलाइन नहीं होंगे। और अल्कलाइन मतलब या अल्कलाइन बोल सकते हो आप, या ये जो इसमें बोला गया है आपको अल्कलीज जो हैं ये वो होते हैं जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। दे आर सोपी टू टच, चिकने होंगे छूने में, बिटर होंगे, कड़वे होंगे टेस्ट में, कोरोजिव, नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज हार्म, इनको टच नहीं करना चाहिए टेस्ट नहीं करना चाहिए, नुकसान पहुँचा सकते हैं। विच ऑफ बेस इज इन टेबल 2.1 आर अल्कलीज, जो 2.1 टेबल में दिए हुए हैं बेसिस वो सारे क्या हैं अल्कलीज हैं भाई, क्योंकि वो डिजोल्व होते हैं वाटर के अंदर। 2.1 टेबल, 2.1 टेबल देख लीजिए, ये तो 2 आ गई भाई, पीछे जा चुकी है, एक सेकेंड अभी दिखाते हैं आपको। ये इसमें लिखना था, आपने नोट करना था, मैंने इस टाइम बताया था क्या क्या भरना है, तो इसमें जो लिखे जाएंगे वो हमारे क्या थे बेस थे, ये 2.1 टेबल यही है, इसके अलावा कोई टेबल नहीं है, हमने आपने ही बनानी है। तो बच्चों आगे हम देखते हैं एक बार क्या रह गया हमारा, हाँ
तो यहाँ आज आपको मैंने मेन पॉइंट बता दिया है अल्कलीज के बारे में, एक बहुत ही मेन पॉइंट है ये भी। और उसके बाद नेक्स्ट जो है, नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल एसिड्स जनरेट एच प्लस या एक्वस एंड ऑल, एंड ऑल बेसिस जनरेट ओ एच नेगेटिव, एंड ऑल बेसिस जनरेट ओ एच नेगेटिव, वी कैन व्यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज फॉलोज। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम देखेंगे, एसिड प्लस बेस क्या बनेगा, साल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे एच जो है एक्स प्लस एम ओ एच, तो ये रिएक्शन एक एग्जाम्पल दे रखा है एक्स और एम का। तो देखिए ये अननोन होते हैं, इसकी जगह एग्जाम्पल लिया जाएगा अलग से। रिएक्शन देखिए एम एक्स प्लस एच ओ एच, तो ये उधर क्या है हमारा, एच टू ओ बन गया, एच ओ एच मतलब एच टू ओ साल्ट बन गया हमारा, एम और एक्स आके साल्ट हो जाएगा, एन ए सी एल मान सकते हो आप या के सी एल भी हो सकता है। एच प्लस आयन प्लस ओ एच नेगेटिव क्या बनेगा, एच टू ओ वाटर बन जाएगा। लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद एन एसिड और बेस। वाटर जो है मिक्स किया जाएगा एसिड और बेस के साथ तो क्या होगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है बहुत बार। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, हम कल करेंगे बाकी का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, और जो पीछे वाला है वो करते रहें टाइम पे रीड, ज़्यादा आपको परेशान नहीं होने देंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।